आज हम बनाएंगे बैगन आलू एंड टमाटर मतलब धनिया मैंने इसमें डाल दिया इसकी सब्जी। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले गैस को ऑन करना। डोंट माइंड मेरा गैस थोड़ा सा गंदा हो चुका है, मैंने इसे ऑन कर दिया और ये हाई फ्लेम पे रहेगा। अब इसमें आगे ऑयल डालने हैं, जब ये सही हो जाए थोड़े हीट अप कर लेंगे इसको। हमारी ऑयल बची हुई थी, अगर आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो मैं वो ऑयल को यूज कर रहा हूँ। आई थिंक थोड़ा सा और ऑयल चाहिए तो मैं ले रहा हूँ, इतना परफेक्ट है। ऑयल गर्म हो गया तो हम इसमें डालेंगे जीरा। मिर्च और लहसुन बारीकी कटे हुए अगर आपके पास तो, अदरक भी आप डाल सकते हो अगर है तो। थोड़े से अब इसमें डालेंगे प्याज, थोड़ा सा ऐसे लाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आलू, क्योंकि आलू को भूनना है और प्याज को ज़रा भूनना नहीं है, वो आलू को अच्छा से भून जाएगा। देखिए प्याज भून जाएगा, रेड रेड हो गया। ओके गाइस, तो हमारे प्याज काफी अलग ओके गाइस, तो हमारे आलू भून गए हैं, ठीक है, मतलब उतने नहीं भुने हैं लेकिन हो गए हैं। तो अब हम लोग डाल देंगे ये अपना बैंगन, अब इसको आपस में मिक्स कर देंगे और थोड़े देर तक इसी में बने रहेंगे। अब इसमें हम लोग डाल सकते हैं हल्दी, नमक, नमक इतना ज्यादा नहीं लेंगे। हालांकि सबको ज्यादा भूनना चाहिए बट प्याज को देखते हुए हम लोग ज्यादा नहीं भून रहे हैं, बट इसमें कोई इशू नहीं है। आलू बैगन टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसको अगर एक साथ भी डाल दोगे तो भी अच्छी ही लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम लोग इसमें डाल देंगे मसाले एंड खाने, थोड़े से मसाले, इतने मसाले ज्यादा नहीं चाहिए होता। बहुत है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे से एक गिलास के करीब पानी आप डाल दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेटअप होने में, दैट्स व्हाई। तो हमने इसमें वाटर डाल दिए एंड अब इसे हम ढक देंगे। आफ्टर जब ये हो जाए आलू तभी आपको ये चीज डालना है, ऐसे नहीं, ऐसे अगर आप डाल दिए तो ये नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। अब हम इसको ढक देंगे अब ये पक जाए। सो आपको बीच बीच में सब्जी चलाकर देख लेना है कि हो गया है या नहीं। ये तो हीट हो गया गाइस, सो उसका निकाल लिया मैंने। आप इसे चला चला कर देख लिया करिएगा, मैं आलू चेक कर ले रहा हूँ इसको देखने का, दबा कर देखा जाता कि ये हो गए या नहीं, ये नहीं हुआ है, अगर हो गए होते तो ये कट जाते। देखा ये कट गया, तो इट मीन्स काफ़ी थोड़ी मेहनत लगे तो अभी इतना बेटर नहीं हुआ है। तो अगर हमें ऐसे ही वाटर चाहिए मतलब रस्से से होते ग्रेवी हमारी
स्टीम चाहिए तो हमें इसमें और वाटर मिक्स करने होंगे। तो मुझे ऐसे ही चाहिए तो मुझे मैं जा रहा हूँ इसमें वाटर मिक्स करने। ओके फिर से बंद कर देंगे 2 to 5, 2 to 4 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप चलाते रहिए। टोमेटो ये हो गया है तो हम लोग इसको बंद कर देंगे, ऊपर से गैस और फिर नीचे से गैस ऑफ। अभी चल ही रहा है गाइस, ओके नीचे से गैस ऑफ। तो ये रही हमारी कुछ सब्जियां हरी भरी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।